सो गाइस हाय, हम सुबह उठकर रेडी होकर चल पड़े दी स्टैचू ऑफ यूनिटी के और वी ऑल आर सो एक्साइटेड। और देखिए वेदर भी इतना ब्यूटीफुल है। गाइस वहाँ कहीं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है और अभी हमने एंट्री किया। यहाँ पर कई जगह लिखा हुआ है मगरमच्छ से सावधान रहे। नहीं, मुझे गुजराती नहीं आती, बट मुझे पता है क्या लिखा है। गाइज आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने दूर से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को देख कर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एंड यस, अभी हम जाते हैं। गाइज ऐसा कह रहे हैं, हमने यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की और हमें इसके आगे बस से जाना पड़ेगा। यहाँ पर उनकी बसेज है। एक्साइटेड हो? सो गाइज एक्चुअली हमारे और रिलेटिव्स आ रहे हैं, हम उनके लिए वेट कर रहे हैं। बट अभी हम पार्किंग एरिया में ही है। अभी यहाँ से हम बस में बैठकर वहाँ जाते हैं। व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू वहाँ पे है। हाय। हेलो मम्मा, से हाय। अभी और लोग आ रहे हैं, पापा और अंकल रिलेटिव्स का वेट कर रहे और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी देख देख के पागल हो रही है। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या क्या शूट करूँ और क्या क्या नहीं ब्लॉग के लिए। ओह शिट गाइस, लुक एट दिस। एक्चुअल में ना आई डोंट नो वीडियो में, बट एक्चुअल में ये इतना बड़ा दिख रहा है। सो गाइस देखिए, महाराष्ट्र में आपने कभी पिंक रिक्शा नहीं देखी होगी, बट यहाँ पर पिंक रिक्शा है। दीदी का फेवरेट कलर है। yes. अभी हम टिकट काउंटर पे जा रहे हैं फॉर अ व्यूइंग गैलरी। सो गाइस आप ये जो इतने सारे पिंक ऑटोस देख रहे हैं, ये सारे ऑटो लेडीज ड्राइव करती है। आपको अपने डेस्टिनेशन पर ये लेडीज अपने पिंक ऑटोस में पहुंचाएगी और ये देखकर काफ़ी प्राउड और इंस्पिरेशन फील होता है। यहाँ पर है एग्जिट गेट और एंट्री वहाँ आगे है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। हम अभी वहाँ से आए थे और अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंटर करने वाले हैं। जस्ट लुक एट दिस, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद द व्यू। सो गाइज द प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी टुक 57 मंथ्स टू कम्प्लीट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज एस्टिमेटेड टू बी 2063 करोर्स बाय गवर्नमेंट। So guys, look at Statue of Unity, 142 meters, can you imagine? Guys, this is so huge. यहाँ से एंट्री है, हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। अभी हम ऊपर व्यूइंग गैलरी में भी जाने वाले हैं जहाँ से पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। Wow guys, I can't believe, look at this huge statue. Literally हमें ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है। दीदी इसी से समझते हैं तेरी हाइट कितनी कम है, देख। तो गाइस
फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक्चुअल स्टैचू के पास, बट हमें पता चला एंट्री कहीं और से है, तो अभी हम वापस नीचे आए, वापस हम जाकर देखते हैं कहाँ पर कहाँ से एंट्री है। हमारा पोपट करवा दिया पापा ने। गाइस अभी बारिश स्टार्ट हो गई है काफ़ी तेज, लोग वहाँ से अभी नीचे आए, या क्योंकि ना एंट्री यहाँ पर थी स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे, तो अभी हम यहाँ से स्टैचू के अंदर जाएंगे। सो गाइस अभी हमने एंटर कर लिया है म्यूजियम में, बट हम ये ब्यूटीफुल म्यूजियम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम जाएंगे व्यूइंग गैलरी जो है 45th फ्लोर पर। सो गाइस ये एक हाई स्पीड लिफ्ट है जो एक ही बार में 26 पैसेंजर्स को 400 फीट तक यानी कि व्यूइंग गैलरी तक पहुंचा सकता है अराउंड 40 सेकंड्स। 40 फीट टॉप ऑफ द पटेल के जो चेस्ट एरिया बनाया जा जिसे व्यूइंग पॉइंट क्या कहते हैं, गैलरी है, यहाँ से सरोवर डैम एंड सब कितना क्लियरली दिख रहा है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो गाइस ये है नर्मदा वैली, वहाँ पर है सरोवर डैम, और ये जो नीचे आपको ब्रिज दिख रहा है वाइट, हम लोग वहाँ से आए हैं अभी। आई कांट बिलीव मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू पे हूँ, आई सीरियसली कांट बिलीव। ईच ईयर मोर देन 2 मिलियन विजिटर्स आते हैं दी स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू एक्सप्लोर करने के लिए, और एक बहुत ही प्राउड वाली बात है इंडिया के लिए। सो गाइस ये देखिए कैसे बना है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी अंदर से, इसका स्ट्रक्चर। बिहारी वगैरह जिनसे वो खेती करते फार्मिंग करते, वो उनसे उन्हें कहा गया था कि डोनेट कीजिए, वो डोनेट करके वो आयरन से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। लुक एट दिस, भारत का डिवाइडेशन होने के पहले का भारत, उसका ये डायग्राम है। आफ्टर डिवाइडेशन सो ये बिफोर इंडिया ऐसे दिखता था और अब इंडिया ऐसे दिखता है, बांग्लादेश अलग हो गया है। हाँ और ये रहा पापा का फ्लैग। पानी गिर रहा है, भीग जाओगे। गाइस म्यूजियम में ये हेड रखा है, यही इतना ह्यूज है कि फेस पर हर एक स्कार्स क्लियरली दिख सकते हैं। सो आई कांट इवन इमेजिन कि जो एक्चुअल हेड होगा वो कितना ह्यूज होगा। I don't know what to say. This place is just awesome. Need to appreciate the work of architects and the Prime Minister Modi and need to salute all of them. क्योंकि ये इतना massive और huge है. I'm literally मुझे अभी ऐसी एक feeling आ रही है. Proud to be Indian. हम अभी बाहर आ चुके हैं म्यूजियम के, और आई गेस अभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर मतलब मैं आपको बताती हूँ कितना ऊपर। कैन यू सी द स्टैचू? यस, हम लोग अभी वहीं पर जाने वाले हैं।
गाइस मुझे एक्चुअली पूरा घूमकर ये वीडियो रिकॉर्ड करने 2 मिनट 10 सेकंड्स लगे. मीन्स कैन यू इमेजिन ये पूरा स्टैचू कितने वाइड एरिया में बनाया गया है. तो गाइस अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए हम सब बैठे हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे. तो देखते हैं अभी कहाँ पर जाए, अभी कहाँ पर जाए, देखते हैं अभी कहाँ जाना है. तो गाइस यू विल नॉट बिलीव, यहाँ तक ना सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्लीपर के लाइक सिर्फ हाफ ही आ रहे. मतलब ओवरऑल स्टैचू कितना बड़ा होगा, यू कांट इवन इमेजिन. गाइस इट्स 5:15 और अभी हम जा रहे हैं. गाइस हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे आ चुके हैं, बट ना हमें लेज़र शो भी देखना था जो 7:30 को है, बट एक्चुअली टिकट्स हमें नहीं मिल पाए. तो हम अभी देखते कुछ तो करके लेज़र शो तो देखना ही है, इतनी दूर है तो ऑफकोर्स हम देखेंगे. बोलो कुछ, अभी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रिटर्न, गो बैक टू पैवेलियन. ओके लाइक गार्डन भी है, आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं. और वो देखिए गाइस हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए लस्सी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यार. इतना ब्यूटीफुल लोकेशन, लाइक इधर सब लेज़र लाइट है और वहाँ पे सरोवर डैम में भी लाइटिंग वगैरह स्टार्ट है. और अभी हम ना बस में बैठकर जा रहे हैं घर. सो गाइज अभी हम पार्किंग एरिया में फिर से आ चुके हैं. यहाँ पर हमें बस ने ड्रॉप किया, थैंक यू बस, बाय. सो अभी हम जा रहे हैं कार की तरफ, फिर यहाँ से अभी हम घर जाएंगे क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं. इस वहाँ से आने के बाद हम लोग ना जा रहे थे घर और हमने देखा कि यहाँ पर एक टेम्पल भी है भोलेनाथ का. सो इतना ब्यूटीफुल है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ. Here our day ends. हमने तो बहुत enjoy किया. I hope आपने भी किया होगा. Please don't forget to like, comment and subscribe. Bye bye.